भारत की टीम वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर रही थी और वो हर मैच भी जीत रही थी, लेकिन कल जब भारत का मैच इंग्लैंड के साथ हुआ तो भारत की बैटिंग में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा, जिसकी वजह से भारत कल का मैच 31 रनों से हार गई। भारत के इस मैच में हारने की वजह से उनके सेमीफाइनल में जाने के रास्ते में एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। भारत का कल इंग्लैंड के साथ ऐसा मैच था जिसको जीतने के बाद भारत सेमीफाइनल में आसानी से पहुंच सकती थी, लेकिन भारत के ओवर कॉन्फिडेंस और खराब बैटिंग ऑर्डर की वजह से वो इस मैच को हार गई। अब इसके खामियाजे में भारत को दो और मैच खेलने होंगे और उन्हें इस मैच में जीतना भी होगा, तभी वो सेमीफाइनल में जा पाएंगी। आपको बता दें कि कल भारत के सिर्फ 3 बैट्समैन ने अच्छा प्रदर्शन करा है, जिसमें रोहित शर्मा ने 102 रन की शानदार पारी खेली है, विराट ने 66 रन से अर्धशतक पूरा करा और पांड्या ने सबसे तेजी से 45 रन बनाकर टीम को संभाल दिया। लेकिन केएल राहुल शून्य में ही आउट हो गए। उसके बाद विराट ने और रोहित ने पारी संभाली, लेकिन फिर विराट आउट हो गए और उनके बाद ऋषभ पंत आए, जो कि पहली बार अपना इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे, जिसकी वजह से ऋषभ पंत से काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी, लेकिन ऋषभ पंत भी वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जैसे भारतीय टीम को ज़रूरत थी। ऋषभ पंत आराम से स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद रोहित आउट हो गए, जिसके बाद हार्दिक पांड्या आए, जिन्होंने ताबड़तोड़ 45 रन बनाए और फिर लियम प्लंकेट की गेंद पर आउट हो गए। लेकिन फिर आए धोनी, हमारे माही जी, जिन्हें हम बेस्ट फिनिशर के नाम से जानते हैं। उन्होंने भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं खेला, बस स्ट्राइक रोटेट करते रहे। हम आपको बता दें कि जब रोहित शर्मा आउट हुए थे तो अगर ऋषभ हार्दिक का साथ देते तो भारत ये मैच आराम से जीत सकता था। अगर ऋषभ ने उस समय धोनी का साथ भी दिया होता तो भी भारत आराम से एक एक रन बना बना के जीत जाता, जिसकी वजह से वो सेमीफाइनल में अपनी जगह आराम से बना सकता था। आपकी भारत के इस मैच पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।